हेलो फ्रेंड्स, आज हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। अगर हम अपने प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम नॉर्मल सीक्वेंस में है और हमने प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया है, तो उससे हमारा कंट्रोल अनकंडीशनली दूसरी जगह पे जंप करेगा जहाँ पे हमने उसे बोला है। गो टू स्टेटमेंट सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को चेंज करने के लिए यूज होता है, जो एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट पार्ट में उसे शिफ्ट करता है। सी प्रोग्रामिंग में गो टू स्टेटमेंट का यूज ज्यादा नहीं होता, क्योंकि प्रोग्राम के कंट्रोल को स्ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है और उसे मॉडिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज ज्यादा नहीं करते। चलिए अब हम इसकी सिंटैक्स देखते हैं। गो टू लेबल, यानी कि जहाँ पे उसे जाना है लेबल, ये लेबल पे जंप करेगा और उसमें जो स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट करेगा। इसे हम फॉरवर्ड जंप कहते हैं गो टू स्टेटमेंट में। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम प्रोग्राम में नीचे की तरफ है और हमें जंप करवाना है ऊपर की तरफ, यानी कि हमारा जो लेबल है वो ऊपर की तरफ है, तो हम गो टू लेबल लिखेंगे और जहाँ पे भी हमारा लेबल होगा वहाँ पे ये जंप कर देगा। इसे हम बैकवर्ड जंप कहते हैं गो टू स्टेटमेंट में, और हमारी जो भी स्टेटमेंट होगी वो वहाँ पे आ जाएगी। गो टू स्टेटमेंट है वो एक तरीके से आइडेंटिफायर है जो बताता है गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाए, किस तरीके से एग्जीक्यूट करे। हमारा कंट्रोल किसी भी स्टेटमेंट में जा सकता है, या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो प्रोग्राम में, लेकिन वो एक फंक्शन के अंदर ही रहेगा कंट्रोल हमारा। जो भी टारगेट स्टेटमेंट है हमारा वो लेबल होनी चाहिए और लेबल के पीछे कॉलन होनी चाहिए, यानी कि लेबल कॉलन फिर जो भी स्टेटमेंट, इस तरीके से होनी चाहिए। हर स्टेटमेंट के बाद यूनिक लेबल होना चाहिए, कहीं भी दो लेबल सेम नहीं होने चाहिए। थैंक यू।